गाइस आज बना रही हूँ लौकी की सब्जी, क्योंकि आज मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई सब्जी नहीं थी घर पे। पर रात को चेक किया नहीं, बाहर जाके आ गई बस। तो गाइस आज मैं पतिदेव से थोड़ा गुस्सा थी, देखो आपको उनकी शक्ल दिखाती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा थी आज उनसे, क्योंकि वो मुझे सुबह सुबह डांट चुके थे, पता है। गाइस आज उन्होंने मेरे पे गुस्सा किया। और गाइस गलती इन्हीं की थी, इसीलिए इतने नाटक दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे मेरे को मस्का लगा रहे थे। तो गाइस अभी हो रही है 8:30, पतिदेव निकले हैं, और अब मैं मेरा नाश्ता करूँगी। सबसे पहले पोहे और एक एप्पल, ये मेरा नाश्ता है आज का। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मेरे व्लॉग की शुरुआत तो वैसे तो सुबह हो गई थी, बट सुबह इंट्रो शूट करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है यार। और अभी टाइमिंग हो रही है 10:30, नहा धो के आ चुकी हूँ, सारा काम घर का फिनिश हो चुका है, और आज हेयर वॉश किया है, अभी तो बांध रखा है। अभी छत पे कपड़े सुखाने जाऊँगी ना, तब बालों को अच्छे से झाड़ के आऊँगी, क्योंकि पानी बहुत गिरता है यार बालों से, और फिर फर्श पे ना बहुत गंदा कीचड़ सा हो जाता है, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। फर्श पे थोड़ा बहुत भी ड्रॉप्स भी गिरती ना, वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं छत पे जाती हूँ ना कपड़े सुखाने, तब बालों को झड़का के आती हूँ, बस ये होता है मेरा। और सिंदूर लगा लिया है, बिंदी लगा ली, बट थोड़ा सा लिप्स पे टचअप नहीं किया, तो वैसे मैं ना डेली यूज़ में तो ये वाली यूज़ करती हूँ, स्विस ब्यूटी की। इसका शेड है 214 कैरेमल। तो कोई अगर यूज़ करना चाहे तो ये कर सकता है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है डेली यूज़ में, न्यूड शेड है ये बहुत ज़्यादा, तो वैसे मैं यही यूज़ करती हूँ डेली यूज़ में। तो ये लो गाइस, मैंने लगा लिया मेरा न्यूड शेड स्विस ब्यूटी का 214 कैरेमल। तो बहुत अच्छा शेड है ये, मतलब इसको लगा के ऐसा भी नहीं लगता कि आपने कुछ लगा रखा है, और ऐसा भी नहीं लगता कि आपके होठ एकदम रूखे रूखे, ऐसा कुछ नहीं लगता, होठ एकदम अच्छा सा टचअप शाइन सा आ जाता है, ग्लॉसी लिप्स हो जाते हैं आपके। ये देखिए बहुत ही प्यारा शेड है, मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, मतलब ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ लगा भी रखा है, और होठ भी ख़राब नहीं दिखते, एकदम ऐसा चमक जाते हैं होठ, क्या बोलते हैं सर देसी भाषा में अपने में, कि हाँ एकदम शाइन हो जाते हैं होठ, तो अच्छा लगता है। तो अभी सबसे पहले कपड़े सुखा के आऊँगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ नहा के आई हूँ, कपड़े नहीं सुखाए मैंने, और कपड़े सुखा के फिर मिलते हैं आप सभी से। और पापा आएंगे ना, तब पापा के लिए रोटी सेकूँगी, पापा भी आए नहीं हैं, अभी 3 दिन से पापा कंटिन्यूसली फायरिंग में जा रहे हैं, तो पापा भी आए नहीं हैं। मेरा रोटी तो मैंने पतिदेव का टिफ़िन बना रही थी ना, तभी सेक ली थी, बट पापा के लिए, पापा आएंगे तब सेक दूँगी, और बाल भी झड़का के आने छत पर, तो चलिए चलता है मेरे साथ ही, चलो आप लोग छत पर आज, मतलब आप भी बोर हो जाते होंगे यार, ये चीज़ें तो अकेले अकेले बातें करते रहते हैं, तो करूँ क्या यार, कोई है ही नहीं मेरे पास, कोई हो तो फिर सोचें भी कि हाँ यार, बट कोई हो ना उसके लिए होना भी चाहिए यार, मेरी जॉइंट फैमिली है नहीं गाइज। तो गाइज मेरा खाना वाना हो चुका है, और अब थोड़े बाल खोले हैं, अब थोड़े से सुखा लेती हूँ इनको, और पापा अभी तक आए नहीं है, पापा की रोटी बना के मैंने अभी रखी है, तो पापा के लिए अभी, अब आएंगे तो आने ही वाले हैं, लगभग आने में ही है, तो आएंगे तब तक गर्म ही रहेगी, जैसे ठंडी तो नहीं होने वाली है। तो खाना बना के रख दिया है, और लाइट चली गई थी, अब जाके लाइट आई है, मतलब इतनी देर से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था ना, कि यार पूरा काम करके तो हम वेट करते हैं कि अब हम सोएंगे और तभी लाइट चली जाए, तो कैसा क्या हाल होता है आप खुद इमेजिन कर सकते हो, और ऊपर से बाल गीले, और फिर मैं रोटी बनाई तो फिर पसीने पसीने में ना इतना भयंकर इरिटेट हुई ना मैं खुद से ही, मतलब पूछो मत। और अब बस डायरेक्टली मैं जाके अब मैं सोने वाली हूँ, और वैसे अभी कोई काम नहीं है, बट मैं सोच रही थी पर पापा आ जाए तो फिर गेट खोल दूँ, क्योंकि फिर पापा आते हैं ना तो फिर मुझे फिर से उठना पड़ता है, फिर गेट खोलना पड़ता है, और ऐसे करने में मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। तो चलिए अब अपने रूम में चलते हैं, एसी ऑन करते हैं फटाफट से, लाइट आई है, इतना अच्छा लगेगा ना मुझे, ओ मेरे कमरे में आते ही तो मुझे ऐसी जन्नत महसूस होती है। ऑन कर दी थी वैसे मैंने एसी पहले ही, देख रहे हो मैं अपनी अलमारी में क्या क्या रखती हूँ, चॉकलेट्स हो गई, माउथ फ्रेशनर्स हो गए, सौंफ है ये सौंफ, ऐसी ऐसी चीज़ें रखती हूँ मैं ज़्यादातर, तो बाकी पता नहीं क्या क्या पड़ा है। चलो भाई गुड इवनिंग गाइस, अभी बस सो के उठी हूँ, अभी मेरी 4:30, मैं सोई थी समथिंग 1:30-2 बजे सोई थी, 4:30 हो रही है, और सबसे पहले चाय बना के चाय पी के आज चंपी करूँगी, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश कर लिया बिना तेल डाले, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्वेट में हो रहे थे, पसीना पसीना हो रहा था यार, तो
तो अभी पहले तो चाय बनाऊंगी पापा के लिए और उसके बाद में बालों में करेंगे चम्पी, अच्छे से करेंगे क्योंकि खाना आज कोई जल्दी बनाना नहीं है, वही 6-7 बजे खाना बनाने स्टार्ट कर दूँगी तो बन जाएगा जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, बने रहेगा मेरे ब्लॉग में एंड तक। तो गाइस चलो चलते हैं किचन में, किचन में देखते हैं सब्जी क्या बनानी है आज, फिर से वही दिमाग ख़राब वाली कहानी। तो सब्जी देखते हैं क्या बनाए क्या नहीं। फटाफट से मैंने आटा लगाया और आटा लगाते टाइम इतनी गर्मी थी कि पसीने आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना पसीना आ चुका है किचन में काम करते करते, मतलब यार गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और मैंने बर्तन साफ़ कर दिए, आटा लगा के रख दिया और आमरस बना के रख दिया और कैरी की सब्जी उबल, मतलब कैरी उबल रही है तो कैरी की सब्जी बनाऊँगी क्योंकि मेरे फादर इन लोगों को कैरी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कैरी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ आज। और पतिदेव भी आने वाले हैं, 6 बज चुकी है, बस 6 बज गई मतलब, और उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में एंड तक। गाइस आज कुछ इतना शूट किया ही नहीं मैंने, मैं सोच रही हूँ मेरी अलमीरा है ना उसे थोड़ा सेट कर लूँ, तो थोड़ी तहस नहस हो रखी है यार, मतलब वो लकड़ी वाली अलमीरा है ना वो। तो एक बात बताऊँ, कैरी की सब्ज़ी मैं पहली बार बना रही हूँ, मुझे आती भी नहीं है इतनी, ये कैरी ना मुझसे कटी नहीं तो मैंने ना साइड साइड का उतार लिया और गुटली इसके अंदर ही डाल दी। गाइस क्या मेरा ये तरीका सही था, आप लोग मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मतलब देखो इसे साइड साइड से काट के गुटलियाँ इसी के अंदर डाल दी मैंने। गाइस मैं ना गर्मियों में काम जल्दी निपटा लेती हूँ, मतलब मैं आज वैसे तो लेट ही स्टार्ट किया था बट फिर भी अभी तो 6 बजे है, 6 बजते बस अब सब्जी बनानी बाकी है, रोटी अब खाएंगे तब सेक दूँगी, बाकी सारा काम मैंने किचन का कर दिया ख़त्म। फिर क्या होता ना कि अपन और कामों में ध्यान दे पाते हैं, बट मम्मा नहीं है ना फिर भी मेरे पे इतना बर्डन नहीं पड़ रहा काम का, क्योंकि सुबह भी हो जाता है और शाम को भी, शाम को तो इतना काम रहता ही नहीं है, सुबह तो पता ही नहीं लगता क्योंकि पोछा वो लगा देते हैं ना तो फिर मेरी हेल्प हो जाती है अच्छे से। तो गाइस ये है फाइनल लुक मेरी कैरी की सब्जी का, आज पता नहीं कैसी बनी होगी, पापा क्या ही बोलेंगे आई डोंट नो, दिखने में तो अच्छी लग रही है बस, बाकी टेस्ट में पता नहीं, मैंने वैसे थोड़ी सी टेस्ट की थी तो अच्छी लग रही थी टेस्ट करने में तो। और गाइस आपको पता है मुझे राबड़ी भी बनानी है क्योंकि पापा भी गए हैं छाछ लेने, ऐसे बोले कि मेरे लिए राबड़ी बनाना, और आज पापा ऐसे से काम करा रहे ना जो मुझे नहीं आते, अब पता नहीं कैसे बनाऊंगी राबड़ी, वो भी हमारे क्या जौ वाली राबड़ी बनती है, तो जौ वाली राबड़ी भी मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देखती हूँ उसके बाद में बनाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं आती, लिटरली मुझे आती है बट वो टेस्ट नहीं आ पाता, मतलब बना तो देती हूँ बट वैसा टेस्ट नहीं आता जैसा कि मम्मा के हाथ में जो टेस्ट आता है ना राबड़ी में, वैसी मेरे से नहीं बनती, पता नहीं यार। देखो मम्मा के हाथ की तो मम्मा के हाथ की होती है, मैं तो टाइम पास कर सकती हूँ, और हमें बाहर भी जाना था अभी फ़िलहाल, वैशाली की तरफ जाके आना था फिर से आज, क्योंकि मुझे एक तो मेरे फ़ोन का कवर लेके आना है, मैं इस फ़ोन के कवर से इतनी भयंकर वाली बोर हो चुकी हूँ ना कि अब बस मुझे, मेरा मन भर गया। पतिदेव आ चुके हैं, 6:30 हो गई है, रोटी सेक के और राबड़ी बना के मैं निकल जाऊँ, हम दोनों निकल जाएंगे क्योंकि फिर हम लेट भी हो जाए ना तो पापा के लिए ऐसा टेंशन ना रहे कि मैं रोटी नहीं बना के आई, पापा को भूख लग रही होगी ऐसा कुछ, तो पहले रोटी बना के राबड़ी बना के और फिर निकल जाएंगे। और गाइस देखो अभी तो दिन ही है यार, इतनी जल्दी भी क्या ही रोटी बनाऊँ मैं, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, फिर पापा ठंडी ठंडी खाएँगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और गाइस मुझसे है ना कई लोग पूछ रहे हैं, कई भाई साहब हम पूछ रहे हैं कि जीजा आप काजल कौन सा यूज़ करते हो, तो काजल मैं आपको बता दूं कि मैं मेबलिन कॉलोसल काजल ही यूज़ करती हूँ, ऐसा कोई स्पेशल काजल यूज़ नहीं करती हूँ। और मेबलिन कॉलोसल मैंने इतने वीडियोस में बता भी रखा है, Q&A सेशन में भी बताया था कि मैं मेबलिन कॉलोसल यूज़ करती हूँ, और एक अलग से वीडियो भी बता रखा है कि मतलब मैं काजल किस तरह से लगाती हूँ, वो वीडियो भी मैंने आपको बता रखा है, तो आप वो जाके देखो। और है ना काजल मेबलिन कॉलोसल में काजल यूज़ करती हूँ। क्या हुआ? पानी पिला दो ना। पानी पीना है? आ जाओ। मटके का पियोगे या फ्रिज का? फ्रिज का ज्यादा ठंडा है, पर पता है आप नहीं गए, तो बड़ी मम्मी लेने आ रही है क्या है? आपको भी जाना चाहिए था। गांव कौन कौन गए? उधर है ना? हाँ वो अपने नानी के, वो विशु है, वो अपने गांव। अच्छा विशु भी गांव गई? खेलो किसके साथ?
कोई खेलने के लिए नहीं बचा यार, है ना। तो जो जो भी गई आज तो चलो। वो इंसान आ चुका है ऑफिस से जिसने आज सुबह मेरे पे गुस्सा किया था। सिया आप जानते हो क्या इनको, ये कौन है? गणेश मुझे सुनो, मुझे बताओ मैं अच्छी हूँ या ये अच्छे हैं? दोनों दोनों। सिया मुझे बता, ये कौन सा लॉजिक हुआ? ये काकी साथ में गई है। देखो मैं काकी सा तो ये आपके काको सा हुए ना, मैं काकी सा तो फिर ये भैया कैसे हुए? नेम क्या है मेरा? रॉन्ग, गलत। मेरे काकी सा का चैनल सब्सक्राइब करो। तो हमारे सिया भाई सब बोल रहे हैं कि मेरे काकी सा का चैनल भी सब्सक्राइब करो। और बोलो कुछ, कुछ भी नहीं, इतना ही बोलोगे। मेरे सिया भाई सा आके गए हैं, मतलब हमारी गली में रहते हैं, और मैंगो खा के गए। इनको मैंगो बहुत पसंद है, जब भी आते हैं ना मैंगो खा के जाते हैं। बिंदी कहाँ लग गई मेरी, देखो। बस आ रही हूँ। वैसे खाना वाना सब बना लिया है हमने, और अब हम लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं थोड़ा। यार ये बिंदी यार पुकार के यहाँ लगा दो तो नहीं लगा। गर्मी लग रही है। कुछ बात नहीं करोगे यार? एनर्जी लो अभी, बैटरी लो। क्यों बैटरी लो? क्यों गाइस अभी बज रही है रात के 8। क्या बैग क्यों? सब्जी इसमें आ जाएगी, सब्जी इसी में डाल लेंगे, ज्यादा तो लेके नहीं आ रहे। सब्जी भी लेके आएंगे और थोड़ा घूम घाम के आ जाते हैं। गाइस भीड़ देख सकते हो, आज हमारे बुधवार की मंडी लगी है। गाइस आज फिर से हम लोग वैशाली आए थे। बता कुछ नहीं है बेचारी की, सरकारी नौकरी होते हुए। इतनी गर्म हवा लग रही है ना यार, है मेरी अर्धा ठंडा तो मैं पका दूँ। मम्मी 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 के लिए मैं खाट रहा नहीं हूँ, मैं ऐसे फैन हूँ, अभी ऐसे भर रहा हूँ, हाँ तो ऐसे भर रहा हूँ अभी। तो गाइस फाइनली मैंने मेरे फोन का कवर चेंज कर लिया है, आप देख सकते हैं आज मैं न्यू कवर लेके आई हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरा फ़ोन का कवर कैसा लगा। ये देखो बहुत प्यारा कवर है। और आज मैं जब मार्केट गई थी ना, मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, इस वजह से मैंने वहाँ बाहर कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। तो फिर मैंने कवर वगैरह ख़रीदा और कुछ रिपेयरिंग वगैरह करानी थी इनको, तो इन्होंने वो करवाई और हमने सब्जी मंडी में सब्जी खरीदी और उसके बाद में सीधा घर आ गए। और अब करेंगे तो गाइज अभी हो रही रात के 10:30 और अब बस अब सोने की तैयारी है। आमरस पीते ही अब सोने वाली हूँ और कल फिर सुबह वही 5 बजे उठना है मुझे। मार्केट से थोड़ा लेट हो गया आने में, इसलिए सोने में भी काफ़ी लेट हो गए। वैसे मुझे रोज़ सोते सोते 11 तो बज ही जाती है, बट आज आए लेट थे, अभी तो खाना ही खाया है। अब खाना खाते ही तो एकदम से तो नींद आती है नहीं। तो होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आप कैसे वीडियोस चाहते हैं आप उसके बारे में भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड। खमा गणेशा।